नमस्कार, मैं माहौली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शक, हम अभी इस वक्त बेला मंडल के कोबई ग्राम पंचायत में अभी मौजूद है और इस कोबई ग्राम पंचायत में आकर यहां पर देख रहे हैं कि गांव का सरपंच कैसा होना चाहिए, गांव का मुखिया किस तरह से होना चाहिए और गांव का मुखिया की क्वालिटी क्या होना चाहिए। यदि यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जनता जनार्दन की जो बात है, जनता जनार्दन की जो वाणी है, उनका कहना है कि हमारा गांव का सरपंच हमारे गांव के रोड नाली और पानी के अलावा कुछ नया करने वाला चाहिए, जैसा कि प्लांटेशन हो जाए या फिर पानी की सड़क हो जाए और अग्रीकल्चर, यानी यहाँ पर ज़्यादातर लोग किसान लोग रहते हैं और उन किसान लोगों के लिए जो योजनाएँ आती है वो योजनाएँ पूरे उन किसानों तक पहुँचे, और जो भी गरीब होता है, जो गोर गरीब होता है और उन लोगों तक वो सरकार की योजना है वो किस तरह से पहुंची, ये सब चीज़ों का ध्यान रखने वाला। और हमारा गांव तो पहले से ही राखी है और ये एजेंसी एरिया में आता है और यहाँ पर आदिवासी समुदाय ज़्यादा रहता है और इस आदिवासी समुदाय के लिए उनको रोज़गार के लिए, उनको कुछ बिजनेस के लिए एक आर्थिक मदद की ज़रूरत होना चाहिए। वो आर्थिक मदद हम पंचायत के सरपंच से नहीं मांगते बल्कि पंचायत का सरपंच, जैसा कि बीसी लोन हो, एससी एसटी लोन हो या सभी कोई भी लोन के प्रकार हो, जिस तरह से भी लोन होते हैं, उन लोगों में हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, यानी हमको एक ज़रिया बताया और उस जरिए के ज़रिए से हमारे अपने पैरों पर खड़े होने की हम कोशिश करते हैं। दर्शकों, इस गांव में वोट है 765 और जिसमें महिला वोट है 386 और पुरुष वोट है 379 और इस गांव में और भी कुछ वोट बनने की संभावना है। युवा लोगों की जो 18 साल के अधिक ज़्यादा उम्र के लोग बच्चे हैं उन लोगों के भी वोट बनने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। धन्यवाद, पर आप बने रहिएगा माय माहौली हिंदी समाचार के साथ। काका जी, गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे तुम्हाला? आमच्या गावचा सरपंच शिकलेला, चांगला आणि गोर गरीबाचे काम करणारा, जनतेने पाण्याची टंचाई आहे कुठं कुठं, पाणी पाजणारा, गावात नाल्या साफ करणारा आणि गावचा विकास करणारा आणि बुजुर्ग लोकांचे काही पेन्शन यायचे आहे ते पेन्शनचे कामं केले पाहिजेत आणि सगळ्या गोर गरीबाले, महिला मंडळ सगळ्यांनी घेऊन चालणारा सामुदायिक गाव आहे आमचा, सगळ्या सामुदायिक प्रयत्नात त्यांना भाग घ्यायला पाहिजे असा सरपंच आमच्या कोबीचा हवा आम्हाला। सागर, अभी इस वक्त आने वाला जो चुनाव है वो सरपंच चुनाव है, तो अगर सरपंच चुनाव में किस तरह से कैंडिडेट चाहिए आपको? कैंडिडेट अपने को अनुभवी कैंडिडेट चाहिए और एक सार्वजनिक मदद करने वाला, कोई गरीब बीमार गिरे तो उसको अस्पताल लेके जाना, ये वो करने वाला और गांव की हालत पे उसको पूरा अनुभव होना चाहिए, वैसे कैंडिडेट को हम जिताना चाहते हैं। गांव में सरपंच कैसा चाहिए आपको? अच्छा होना, अच्छे ग्रेजुएशन वाला होना चाहिए, पूरा स्कूल पे ध्यान देने वाला होना चाहिए, गांव वाले का विकास करने वाला होना चाहिए और जो अपने गांव में जो डेवलपमेंट नहीं है वो उसको सुधारने के वास्ते अच्छा होना चाहिए। जी पटेल, आने वाला जो चुनाव है वो सरपंच चुनाव है, तो आपको कैसे क्वालिटी का सरपंच चाहिए? हमारे को क्वालिटी सरपंच मतलब मैं पढ़ने वाला सरपंच होना चाहिए, वहाँ को डेवलप होना डबल गाँव का, और मेरे गांव में कुछ डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे, हाँ, और अच्छे आदमी बोल रहे चुन के करके गांव वाले बोल के बोल रहे हैं अब क्या है, उनके ऊपर भी अच्छा काम करना किसान का भी, और सब कुछ देखना, गांव वाले भी देखना, वहाँ ट्राइबल एरिया है और अपने एरिया में अच्छा डेवलपमेंट होना, आने वाले फंड भी अच्छा से लगाना, उसको कुछ काम करके हम गाँव वाले को गाँव वाले तरफ से बोल रहे हैं भी अच्छा होना पढ़े लिखे। गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? एकटूपणा पाहिजे, लहान लेकरापासून तर सर्व्यापासून तर त्या लेकरांना विनंती केल्यासारखं करणारी माणूस पाहिजे, सर्व्या पाठीचा कोण्या पाठीचा भेद नसून सरे माझंच म्हणून सरे हे सर्व काही की नाही, त्याच्या हातातच राहते, 5 वर्ष का करायचं त्यांना करावं, कुणाले काही ऑब्जेक्शन नाही, कुणाला पण कोणते झगडे टंटे राहिले तरी दूर करावं, हां, आणि सर्व्याचं समस्या घेऊन सर्या का नाही बैठक बसून हर हर मेंबराची मीटिंग घेऊन सर्या हे सर्व बापू ह्या असं म्हणता या असं म्हणता हे सर्व न कर पुरेले सोडून देऊन सर याच्या का नाही परिपूर्ण घ्यावा याच पद्धतीमध्ये सरपंच पाहिजे एवढीच विनंती। सरपंच बोले तो सबके लिए खुला रहना, किसी पक्ष का नहीं, कुछ भी नहीं, गांव का विकास करना और कोई भी रन तो मेरा चाहिए बोल के उनको सब जन को मिलजुल के कामा करके सब जन का कामा करना वही सरपंच, नहीं तो अपक्ष की तरफ मेरी ये पार्टी है वो पार्टी है बोल के काम किए तो गांव का विकास कभी भी नहीं होता, इसलिए मैं कोई भी बंदे सरपंच सब काम मिलजुल के करना वही मेरी विनंती। सरपंच कसा पाहिजे? मला गावचा विकास पाहिजे,
गावचा विकास म्हणलं तर गावामध्ये काय गाव डेव्हलपमेंट, नाल्या नुल्या गंजी नाही पाहिजे फसली, आणि रांडी रुंडी बाई यांना जे गव्हर्नमेंट येते त्या लोकांना पूर्णपणे देण्यात यावं. आणि तसंच आता गावामध्ये काही खूप अडचणी राहते, झगडे भांडण तंटा नको झालाही असं होते एकमेका माझ्याही घरी होते तुमच्याही घरी होते व ते गावातल्या गावात निपटावा अशी मी त्या सरपंचालाही प्रार्थना करतो. गावाचा विकास डेव्हलपमेंट आता आपला केंद्र सरकार आहे याच्याबद्दल जास्त बोलू शकत नाही. मनोज गेडाम, आप इसके पहले एमपीटीसी थे इस एरिया के, अभी उसके बाद में उसके बाद 5 साल तक यहाँ पर इलेक्शन नहीं हुआ ना, उसके फिर इसके बाद में अब पंचायत चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव में हमने सुना है कि आप भी सरपंच के उम्मीदवार है और आप भी खड़े रहना चाहते हैं, तो आप अगर खड़े रहेंगे तो या आप जीत के भी आएंगे तो आप गाँव के लिए नया क्या करना चाहते? गाँव में मेरे हिसाब से देखो तो लैटरिन रूमा है यूज नहीं करे यूज करने के लिए, और दूसरी बात जो लैटरिन है कूट के वो क्लियर नहीं है, नए लैटरिन देने के लिए कोशिश करूँगा. हर घर में पेड़, दुनिया की धूप बढ़ गई, बीमारी के लिए पानी की भी ये साल तकलीफ हो गई, पानी के लिए भी अच्छा काम होना, हर घर को पानी होना, और खेतों में जाने के लिए बहुत लोगों को तकलीफ है. यमसी को लगा के अच्छे रोड़ा निकाल के उसको टेम्पररी मोरम या ग्रेवल डाल के वो रोड की सहूलत करना, ये मेरा लक्ष्य है. और उच्च शिक्षा और नेटिव में अधिकारी लोग रहना, बारिश में रंडो हेल्थ सेंटर है, सब सेंटर भी है यहाँ पे, तो इसलिए कोशिश करना, कोशिश करने की एक मेरी लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य से मैं जीतने के लिए कोशिश करूँगा, सबका आशीर्वाद लेके जीतने के लिए कोशिश करूँगा, बोलकर मेरा वादा है. काका जी, गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? सरपंच आम्हाला चांगला सरपंच पाहिजे, चांगला चांगला मला काम करणारा सरपंच पाहिजे, आम्हाला साठी डेव्हलप करणारा सरपंच पाहिजे, आम्हाला नाल्या तुमचे काम आलेले ते करणारा पाहिजे आम्हाला सरपंच. हां, लहान मुलासाठी शाळा, शाळेचं पडून नाही शाळा, एक तर पुन्हा लहान मुलाला लोन नाही आहे, कोणतीच सोय नाही आमच्या गावात, त्याच्यासाठी आम्हाला सरपंच चांगला पाहिजे. गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? चांगला पाहिजे, दारू नाही पाहिजे, त्याला काय नाही सुख पाणी नाही पाहिजे, गाव सुधारणार पाहिजे, सरपंच होणं परवडते नाही तर का फायदा राहते. गेले असे सुधरवतो सुधरवतो म्हणले, त्यांचे घर सुधरवले नाही, ते सरपंच लोक आहे ना तर काय काय कमी लागते, तर लोक सुधरवते ते ना का सुधरवते, सरपंच चांगला पाहिजे नाही तर त्याचा तोच सुधरवून घेत, नाही तर लोक का सुधरवून देते, गाव का सुधरवते, तो प्लस घर म्हणून सुधरावं लागते गाव, तो सरपंच होते. या आता पाटणचा सरपंच आहे, चांगला आहे बा बिचारा फैदुल्ला, तसा माणूस पाहिजे, बिनेसनी पाहिजे माणूस सरपंच, राहिलं तरी समसमान मोठं राहिलं तरी समसमान पाहिजे सरपंच म्हणते, नाही तर का तर सरपंच बाबू. तो बोधी साहब, अब आने वाला जो चुनाव है वो सरपंच चुनाव है, तो आने वाले इस चुनाव में आपको किस तरह से सरपंच चाहिए? सरपंच नंबर एक चाहिए, अच्छा काम करने वाला चाहिए, एजेंसी एरिया है सबके लिए, सब समान के लिए काम करना सबके लिए, उस वास्ते सरपंच नंबर एक चाहिए. सुशिक्षित होना, पढ़े लिखे वाला होना, व्यसन मुक्त वाला होना सरपंच, व्यसन वाला सरपंच नहीं चाहिए. आने वाला जो चुनाव है वो पंचायत चुनाव है, पंचायत चुनाव में सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच तो अभी क्या है बोलो तो, सरपंच अच्छे चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, सुशिक्षित भी होना, क्यों बोलो तो गांव का विकास के लिए खूब बहुत जरूरी है सरपंच बोले तो. ये नाली पानी सब तो हर लोगों को मिल रहा है, अभी फिलहाल ये तो काम उसका नहीं है, क्यों बोलो तो ये तो काम अभी भी चल रहा, फिलहाल सरपंच नहीं है तो बाद में भी चल सकता, वैसा नहीं है. सरपंच बोलो तो ऐसा चाहिए गांव के विकास के लिए, जो गरीब बुद्धि लोग हैं उनको कुछ कम ज़्यादा हो गया, समझो हॉस्पिटल लेके जाने का है, कहीं कोई शहर में जाने का है, कोई किसी के कागज पत्र बनाने का है, तो सरपंच उसके पीछे रहना जरूरी है. क्यों बोले तो सरपंच को जितना मालूम रहता उतना गाँव के लोगों को मालूम नहीं रहता, मालूम रहता वैसा कुछ नहीं, लेकिन क्या है बोलो तो सरपंच को सब कोई ऊपर के लोग है जो बोले तो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनके साथ कनेक्शन रहता है उनका,
जल्दी काम हो जाता है, इसलिए सरपंच बहुत जरूरी है। पहले तो हमारे गांव में 5 साल तक सरपंच नहीं था, हमों को पैरिटी वाला सरपंच चाहिए। ठाकरे साहब समोर येणारा जे इलेक्शन आहे, चुनाव, ते सरपंच चुनाव आहे, तर आता गावामध्ये सरपंच तुम्हाला कसा पाहिजे? गावामध्ये सरपंच डेव्हलपिंग करणार, गावामध्ये चांगली सुधारणा करणार सरपंच, कोणाच्या मदतीने धावणारा सरपंच, कोणावर प्रसंग कोणता आला त्याच्यामध्ये सहभागी घेऊन त्याचं काही मार्गदर्शन काढून त्याची समस्या सॉल्व करणार सरपंच पाहिजे। आपत्ती तर आली त्याची आपत्ती दूर करणार असा सरपंच आम्हाला पाहिजे, सर्वाला गावाला घेऊन चालणारा सरपंच पाहिजे। त्या विकासाकरिता समोर चालणारा सरपंच पाहिजे आम्हाला। समस्या सगळी गावाची समस्या सगळी सोडवणारा पाहिजे। तुमचं ठाकरे गजानन कोब्बई, गाव कोब्बई आहे तुमचं? गाव कोब्बई। गजानन भाऊ, गावामध्ये सरपंच कसा पाहिजे? गावामध्ये सरपंच शिकलेला पाहिजे, चांगला पाहिजे, शिकलेला एजन्सी एरिया आहे, गावाला घेऊन डेव्हलप करणारा पाहिजे। पुन्हा इथं शाळा नाही आहे इंग्लिश मिडियम, इथं तेलुगू मिडियम आहे। आम्ही प्रायव्हेटमध्ये तिथं बेलेल टाकत आहोत गाव सोडून, इथं इंग्लिश मिडियम शाळा पाहिजे। आणि शिकला सवारलेला सरपंच जरा डेव्हलप करू शकते अशी आमची विनंती आहे। आमच्या गावामध्ये सरपंच शिकलेला हा पाहिजे, कारण तर शिकलेला सरपंच हा गावाला समोर नेऊ शकते। आणि सर्व समुदायाचे लोक आमच्या गावामध्ये आहे, आध्यात्मिक लोक आहे, आणि ते सर्वाला सांभाळून नेणारा, जातपात न करणारा सरपंच पाहिजे। आणि असे बरेचसे लोन सर्व समुदायासाठी येतात, ते लोन युवाच्या कामी आणणारा सरपंच पाहिजे, सर्वाला मदत करून युवाला समोर नेऊन असा सरपंच आम्हाला पाहिजे। आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शिक्षणासाठी समोर येऊन सरपंचांनी काम करावं, कारण शिक्षण हे आहे, शिक्षण नसलं तर कुण्या कामाचं नाही। त्यासाठी सरपंचांनी शिक्षणाकडे जास्त लक्ष द्यावं असं आम्हाला सरपंच पाहिजे।